आज हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके अंदर कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, सब्सटेंस वही पहले वाला रहने वाला है। ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, इनको हम वापस से रिवर्स आसानी से कर सकते हैं। इनके अंदर केवल शेप, साइज और स्टेट में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पानी को अगर हम हीट करेंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर वेपर को वापस से कोल्ड करने पर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आइस को हम हीट करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर को वापस से कोल्ड करने पे आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे केवल स्टेट्स बदल रही है और केमिकल कंपोजिशन है, इसका भी H2O है और इसका भी H2O है। अब हम देखते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो कि परमानेंट चेंजेस होते हैं, इनके अंदर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होते हैं, आसानी से इरिवर्सिबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार खाना डाइजेस्ट हो गया उसको हम वापस से पहले जैसा नहीं बना सकते। रोटन बनाना, अगर कोई केला सड़ चुका है तो उसको हम वापस से ठीक नहीं कर सकते। उसी तरीके से जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, जिसको हम मिथेन भी बोलते हैं, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और हीट का फॉर्मेशन होता है, जो कि नए सब्सटेंस है, इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इनको हम वापस से रिवर्स करके ये नहीं बना सकते। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।